नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आईवी भर्ती अपर निजी सचिव भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसका परीक्षा पैटर्न देखेंगे और कब इस एग्जाम संभावित होगा और कितने चरणों में होगा, उन सभी परीक्षा योजना के बारे में आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं आखिर अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 2023 परीक्षा जो है इसकी क्या योग्यता रहेगी, आपको कितने पद हैं, परीक्षा की योजना कैसी रहेगी, कितने चरण में परीक्षा होगी और परीक्षा कब संभावित रहेगी, अर्थात प्रथम चरण द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वो कितने कैसे कैसे कब कब आयोजित की जा सकती, इसके बारे में आपको बताएंगे और इसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए परीक्षा को लेकर के, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये देखते हैं अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 योग्यता की बात करेंगे। एक बार बता दूं कि ये जो भर्ती है 4800 ग्रेड पे की गजटेड पोस्ट होती है, तो याद रखिएगा, तो गजटेड है तो इसलिए याद रखिएगा, तो 4800 ग्रेड पे की, तो इसमें तीन तरीके के विभागों में भर्ती निकलती है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो योग्यता की बात करेंगे, स्नातक है, उसके साथ में आपको CCC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा या उसके कोई समकक्ष, आपको ये CCC के समकक्ष भी आपको कोई, अगर जो आपके पास है कोई डिग्री सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से, तो वहाँ से आपको वो एलिजिबल रहेंगे। आशुलेखन मतलब आपको शॉर्ट हैंड, आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी, मतलब शॉर्ट हैंड भी इसमें मांगा है, और हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। तो ये तो हो गई योग्यता, ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसका तो आपको डिग्री चाहिए, बाकी इनमें आपको, आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ये दोनों एक शैलियाँ आपको, मतलब आशुलेखन भी और हिंदी टाइपिंग भी आपको ये आनी चाहिए। पद की बात करेंगे, 328 टोटल पद हैं और इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद और UPPSC में ही तीन तरीके के ये पद निकले हुए हैं। अभी होता है लगभग आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी में जैसे पद नहीं निकलते हैं कि सचिवालय के हो गए, राजस्व परिषद और UPPSC में, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से इसमें भी ये पद निकले हुए हैं। तो ये तो हो गई बातें जो मैंने बताया आपको, पदों की संख्या हो गई, किस किस डिपार्टमेंट में निकले हुए हैं और योग्यता क्या हो गई, वो भी मैंने बताया। अब इसमें हम बात करेंगे कि आखिर परीक्षा की जो योजना है इसके चरण कितने होंगे, किस किस चरण में कैसे कैसे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, एक बार बता दूं कि अगर जो आप इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, तो आप इसको लेकर के घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी परीक्षा इतनी जल्दी नहीं आयोजित होगी, परीक्षा आयोजित होने में टाइम लगेगा। पहले जो एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेज की जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा ये होगा, इसके बाद आपको उसके लिए बुलाया जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा उसमें टाइम लगेगा। तो आप अगर जो सीख सकते हैं तो आप इसको सीख लेंगे, अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परीक्षा योजना जो है इसमें देखेंगे तो प्रथम चरण ये 150 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। हालांकि मैं इस जो नोटिफिकेशन में प्रश्नों की संख्या की चर्चा नहीं की गई है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उम्मीद करते हैं एक ही एक नंबर का एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगी। GS जो होंगे इसमें 50 नंबर की GS आएगी, सामान्य हिंदी जो है 50 अंक की, कंप्यूटर 50 अंक का है। इसमें देखिए GS में ही आपको एक तरीके से कह सकते हैं मैथ भी पूछी जाएगी, मतलब कि कक्षा 8 स्तर की जो होगी वो मैथ भी इसमें पूछी जाएगी। तो ये हो गया प्रथम चरण, जो प्रथम चरण में जो 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, इसमें कंप्यूटर, सामान्य हिंदी और GS रहेगा। अब इसकी तैयारी जब आप अपने स्तर पे करेंगे, तो मान लीजिए आप GS, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, तो इसमें जब इसका जब रिजल्ट आएगा तो इसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 328 पदों का 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और आखिरी अंतिम सी मतलब कि कट ऑफ पर जितने बच्चे चयनित होंगे वो भी रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 3 घंटे का पेपर रहेगा। ये देखिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेपर का जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की, अंक रहेंगे 150, 50-50 नंबर डिवाइड हैं पूरा, इसमें वेटेज जो है वो कंप्यूटर का और हिंदी का और GS का बराबर बराबर है। GS में मैथ भी रहेगी, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी जब इसमें जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, वो शॉर्ट हैंड के लिए उनको बुलाया जाएगा। शॉर्ट हैंड में अब वो जो दूसरा पेपर होगा, मतलब द्वितीय चरण जो होगा, सेकंड स्टेज, वो होगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में पहला पेपर जो होगा वो होगा पेपर नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं जो पहला आपका होगा वो शॉर्ट हैंड का होगा, आशुलिपि का, हिंदी में होगा, हिंदी आशुलिपि, 75 अंक का होगा, 80 वर्ड पर मिनट डिक्सटेंशन आपको लिखना रहेगा, मतलब बोलेंगे आपको लिखना रहेगा, और उसके बाद में जब उसको जो आपने बोला है आप उसको लिखेंगे, उसके लिए आपको 1 घंटे का समय आपको कंप्यूटर पर आपको टाइप करना रहेगा, उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो मतलब 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेंशन और लिप्यंतरण मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट आपको करना रहेगा, तो 60 मिनट में रहेगा। टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग की 25 अंक मिलेंगे और यह 5 मिनट की टाइपिंग होगी और 25 वर्ड पर मिनट की आपको
टाइपिंग आपको देखने को मिलेगी। ये भी 5 मिनट करेगा, ये भी 5 मिनट, लेकिन इसमें जो आपको जो लिखना रहेगा उसके लिए 60 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा। ये 5 मिनट की रहेगा और इसके 25 वर्ड पर मिनट। और इन दोनों में आशु लिपि मतलब शॉर्ट हैंड या टाइपिंग दोनों के लिए कुर्तिदेव फॉन्ट 10 या मंगल फॉन्ट दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके भी जो भी आपसे मान लीजिए बोला गया कि आप कोई पैराग्राफ बोला गया 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, आपने उसको शॉर्ट हैंड में लिख लिया। अब शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद में जो आपने लिखा है उसको कंप्यूटर पे आपको टाइप करना रहेगा। टाइपिंग के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। हालांकि इसमें कहीं पर भी नोटिफिकेशन में गलतियों की चर्चा नहीं की गई है कि कितने परसेंट गलती माने, इसकी चर्चा नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं की गई है। फॉन्ट याद रखिएगा कुर्तिदेव 10 और मंगल फॉन्ट। और जो हिंदी की जो स्पीड रहेगी वो 25 वर्ड पर मिनट रहेगी। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 वर्ड पर मिनट में आपको टाइप करना रहेगा। तो आपको देखेंगे तो देखिए बाकी देखिए 60 मिनट ये हो गया, 25 वर्ड पर मिनट की रफ्तार से 5 मिनट का ये हो गया और करीब 5 मिनट का ये हो गया। तो समय देखेंगे तो 1 घंटे 10 मिनट हुआ। 20 मिनट का जो बाकी का एक्स्ट्रा समय, मान लीजिए आपसे कोई फॉर्म वगैरह भरा है उसमें भराया जाएगा, अटेंडेंस शीट वगैरह भराया जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर ऑन कीजिए, इन सब में जो टाइम लगेगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय टोटल 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए 60, 55, 65 मिनट का ये हो गया और 5 मिनट का ये हो गया, 70 मिनट हो गया। बाकी का जो बचा समय उसके लिए आपको जो समय मिलेगा उसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं जो आप जैसे होता नहीं अटेंडेंस शीट वगैरह भरना और इन सबको लेकर के आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये याद रखिए। अब इसके बाद देखेंगे जो तृतीय चरण होगा, इस चरण के बाद का जो चरण है वो तृतीय चरण है, वो होगा 50 अंकों का, 1 घंटे के लिए वो पेपर होगा। वो होगा कंप्यूटर के प्रैक्टिकल का, इसमें कंप्यूटर का प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये कंप्यूटर प्रैक्टिकल अब किस आधार पर कैसे किया जाएगा, इसमें देखिए बहुत से इसमें देखेंगे तो आपसे ईमेल भेजना, ईमेल को प्राप्त करना और MS Excel, MS Office से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको सबको पावर पॉइंट की स्लाइड वगैरह बनाना, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और इन तीनों चरणों को मिलाने के बाद में जब आपका जो फाइनल कट ऑफ, इन्हीं तीनों चरणों को जब आप पास कर लेंगे तो उसके आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी और उसके आधार पर आपका अंतिम चयन होगा। अब इसमें से बहुत से लोगों का जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न ये रहता है कि इसमें स्टेनो को क्या किया जाए। देखिए अभी मैं आगे जब हम परीक्षा योजना के बाद में जो परीक्षा तिथि की चर्चा करेंगे तो इसमें आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर स्टेनो आप कितने दिनों में सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आया हुआ है नोटिफिकेशन उसके अनुसार 19 सितंबर से 19 अक्टूबर 2023 तक आप क्या है इसका फॉर्म भर सकते हैं 2023 तक। इसमें क्या है OTR है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। OTR आप उम्मीद है आप OTR वगैरह कर दिए होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो इसमें आपको ये फॉर्म भरने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी के बीच में ये एग्ज़ाम आयोजित कर लिया जाएगा। उम्मीद रहेगी कि जनवरी के लास्ट तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर जो जनवरी के लास्ट में या फरवरी में एग्ज़ाम कराया जाता है तो मार्च के अंत तक अर्थात मार्चांत तक इसका रिजल्ट जो है वो जरूर से ज़रूर आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद में क्या होगा, लोकसभा के चुनाव हैं आप सभी जान रहे हैं, और जब ऐसे चुनाव वगैरह आते हैं तो परीक्षाएँ जो होती हैं वो टाल दी जाती हैं। तो चुनाव परीक्षा के उस मतलब कि चुनाव के दौरान परीक्षाएँ नहीं हो पाती। तो अगर जो हम बात करते हैं कि जो मार्च में इसका रिजल्ट आया और अप्रैल मई के आसपास लोकसभा के चुनाव वगैरह होते हैं तो उस दौरान ये जो परीक्षा है ये टालेगी, और टलने के बाद में इसकी जो टाइमिंग है वो जून से जुलाई के बीच में ये जाएगी। तो जून से जुलाई के बीच में आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम जो मिला वो आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर हम दोनों तरीके से आपको चर्चा करके बता देंगे कि अगर टाइम आपको कितना मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर जो मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है वो मार्च में आ गया और अप्रैल में आपसे टाइप मतलब कि स्टेनो के लिए बुला लिया गया, लेकिन अब चूंकि बात है कि स्टेनो और टाइपिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो बच्चों की संख्या जो होती है उसके अनुसार मान लीजिए 15 गुना बच्चों को बुलाया गया तो एक ही दिन में टाइपिंग तो हो नहीं पाती। उसमें क्या होता है कई चरणों में चलती है कि आज इतने बच्चों को इतने तो करीब 10 दिन के आसपास मान लेते हैं करीब टाइपिंग जो है वो चलती है, 5 दिन 10 दिन इस तरीके से टाइपिंग और स्टेनो को कई फेजेस में बुलाया जाएगा तो उसके लिए इतना टाइम लगता ही है। तो अगर जो मान लेते हैं कि अप्रैल में ही मान लीजिए स्टेनो करा दिया गया अप्रैल में, तो आपके पास टाइम कितना बचेगा, तो उधर आपके पास 4 महीने और इधर आपके पास 3 महीने, टोटल आपके पास 7 महीने। अगर जो ये इस तरीके से कराया गया तो 7 महीने आपके पास किसी भी हाल में, अगर जो अप्रैल में कराया गया तो आपके पास 7 महीने। अब देखिए स्टेनो सीखने के लिए देखो दरअसल बात यह कि जो जिसको स्टेनो आती है
वो क्या करते हैं कि एक माहौल सा बनाया जा रहा है, एक देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे आप देखेंगे तो एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि जिसको आ रही होती है वो दूसरे वाले को यही कहता है नहीं 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 1 साल लग जाएगा सीखने में। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों स्तर पर समझेंगे तो देखिए वो अपने स्तर पर सोच के बता रहे हैं आपको ताकि आप उसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि होता ये कि स्टेनो सीखने में, हाँ स्टेनो सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी आसानी से आप नहीं सीख पाएंगे। शुरुआत के करीब 3-4 महीने तो आपको शब्दावलियों को सब सीखने में, आप समझने में लग जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस बनाएंगे तब जाकर के आप 80 वर्ड पर मिनट की रफ्तार से आप लिख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आपको 5 से 6 महीने मिनिमम आपको लगते ही लगते हैं जब आप अच्छे से करते हैं, तो नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से समय जोड़ते रहिए। जितना समय चाहिए वो करीब 5 से 6 महीना आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे पहले आपको स्टेनो आपकी स्पीड आप उतनी नहीं ला पाएंगे। बहुत सी प्रणालियाँ मार्केट में आपको मिलेंगी, जैसे बहुत सी ऐसी मार्केट में कहते हैं कि इस प्रणाली में आप किसी प्रणाली से सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जो आप अभी से शुरुआत कर देंगे तो आप इसको सीख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप इसको नहीं सीख पाएंगे स्टेनो। हाँ, क्योंकि दरअसल होता है कि मान लीजिए जिसको स्टेनो आती है वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए स्टेनो तो बात का बात है, मान लीजिए जिसको स्टेनो आती है पहले से जो जान रहा है उसके लिए, तो पहले तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहेगी कि प्रथम चरण में आप पहले क्वालिफाई तो कीजिए। स्टेनो तो आपको आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे जो पहली बार सीख रहे होंगे स्टेनो। लेकिन आपको सीखना है कि आपको तो सिर्फ बताना है कि हाँ मुझे आती है, हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन प्रथम चरण निकालने के बाद ही वो दूसरे चरण में जाएंगे। तो हो सकता है आपको स्टेनो आ रही हो, जीएस और कंप्यूटर आपके अच्छी ना हो, तो आपको स्टेनो तो आपके पास रखा ही रह जाएगा, उसमें उतना कंपटीशन अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जिनको आ रही है वो ऐसा माहौल आपको बना देंगे कि स्टेनो बहुत टफ है, आप मत अप्लाई कीजिए, ताकि स्टेनो ही बात है, जिनको पहले से आ रही वही वही अप्लाई करें और वही आगे सिलेक्शन मिल जाए। तो याद रखिएगा आप आराम से स्टेनो सीख सकते हैं, आप ये कि टाइम आपको मिल जाएगा तो 5 से 6 महीना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, 5 से 6 महीना मिनिमम। जब डेली की डेली करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बोरिंग काम रहता है शुरुआत में, जब सीखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लगेगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन अब अगर जब उसी में आप करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। टाइपिंग वगैरह भी इसी तरीके से सीखेंगे तो सीख जाएंगे। अब इसमें क्या है कि अब ये तो हो गई तब की बात जब मैंने अप्रैल में बताया, अब दूसरे चरण में आते हैं। अब अगर जो मान लेते हैं एग्जाम जो है वो जून और जुलाई में इसके शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, तब क्या होगा, तब इसमें क्या होगा कि जब इस टाइम बुलाया जाएगा तो आपके पास इधर करीब 6 करीब करीब 8 से 9 महीने, 9 महीने मान लेते हैं आप, 8 से 9 महीने आपके पास समय मिलेगा। तो जो 8 से 9 महीने जो समय मिलेगा इसमें आप आराम से स्टेनो सीख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेगुलर वे में सीखेंगे जिस तरीके से आप, जैसे एग्जाम आने वाला होता है तो उससे पहले 15 दिन पहले देखिए लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और बहुत स्पीड से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, आपको उसी रफ्तार के साथ में तेज़ी से पढ़ाई करनी रहेगी तभी आप इसको सीख पाएंगे, नहीं तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से आपको सीखना है। अब मान लीजिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का पेपर हो गया, मतलब कि आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मान लेते हैं कि अगस्त में इसका परिणाम आपको आ जाएगा। अगस्त में मान लीजिए जुलाई में आया तो अगस्त में इसका परिणाम आ जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा सितंबर में। अगस्त से सितंबर के बीच में क्या होगा कि अगस्त से सितंबर के बीच में आपसे इसका परिणाम आ जाएगा, उसी में आपको कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के लिए भी उसमें बुलाया जाएगा कि आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वगैरह दीजिए। अब कितना गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, जितने लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई रहेंगे वो सभी इसमें इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो क्या होगा कि आपको जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसमें होंगे, तो सितंबर में मान लेते हैं कि अगर जो इसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो इसके बाद कुछ करना नहीं रहेगा, फाइनल रिजल्ट ही देना रहेगा। तो सितंबर के लास्ट में हम उम्मीद करते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। करीब 1 साल की प्रक्रिया है, चूँकि 10 साल बाद ये भर्ती आ रही, 2013 के बाद आई थी तो वो भी भर्ती लटक गई थी कि कारणवश, लेकिन इसमें हम देखेंगे तो ये भर्ती जो आई हुई है इसको पूरा होने में करीब 1 साल का समय जरूर लगेगा, तभी ये भर्ती पूरी होगी। अब इसके साथ साथ में जैसे इसमें मैंने बात किया है कि हालांकि आने वाले समय में इसमें विस्तृत रूप से इसके जो इसका सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनका सहारा लेना चाहिए, जिनके आधार पर आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो जीएस हो गया सामान्य हिंदी और कंप्यूटर की अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएस में कई सारे ऐसे सेक्शन दिए हुए हैं जो आप नॉर्मल में उनको नहीं पढ़ते हैं, जैसे इसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है, वो आप नॉर्मल में उनको ज़्यादा उतना नहीं पढ़ते होंगे, तो उसके लिए उसको लेकर के क्या आपकी मतलब की रणनीति होनी चाहिए। हिंदी में जिस तरीके से पत्र लेखन है, पत्र लेखन आपसे लिखने के लिए तो नहीं आएगा लेकिन उससे रिलेटेड आपको पत्राचार से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए। कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया गया उसकी कैसे तैयारी आप कर सकते हैं कंप्यूटर को लेकर के, क्योंकि देखिए तीनों है जब, क्योंकि मेन यही है, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका ये देखिए, अगर जो आपको ये सेक्शन नहीं आ रहे तब तो आपको कोई मतलब ही नहीं है,
लेकिन अगर जो ये तीनों क्वालिफाई करेंगे तभी इस सेक्शन में जाएंगे। तो ये अगर जो आ भी रहा है, लेकिन पहले सबसे पहले चरण को पास करने के लिए आपको पहले इन तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आप अच्छे स्तर पर जब तैयारी करेंगे तो आप इसको अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए हिंदी और कंप्यूटर पढ़ने के। देखिए ये सिलेबस सबके लिए लगभग, जितने बच्चे तैयारी कर रहे होंगे सबके लिए नया है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहा था तो वो उसको इसमें फ़ायदा मिलेगा, तो कंप्यूटर फ़ायदा मिलेगा तो जीएस में उसको नहीं मिलेगा। अब हो सकता है किसी बच्चे की हिंदी अच्छी हो तो हो सकता है जीएस ना अच्छी, तो ये लगभग सभी के लिए नया है। और एपीएस की जो भर्ती है कोई रेगुलर भर्ती तो है नहीं कि हमेशा आती रही है, इतने दिनों बाद आई है, नया सिलेबस हुआ है, कई सारे संशोधन के बाद में सिलेबस आया है, तो उसमें बहुत सारे इसमें संशोधन आपको देखने को मिले। तो ये जो नया पैटर्न आया है, इसके हिसाब से पैटर्न सबके लिए नया है। आप जितने अच्छे तरह स्तर पर तैयारी करेंगे आपको उतने लाभ मिलेगा, वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। आपको इसको अच्छे से तैयारी करिए, आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। और अंतिम सिलेक्शन पाने के लिए आपको मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ में अभी से लगना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि परीक्षा की रणनीति कैसी होनी चाहिए एपीएस को एग्ज़ाम को लेकर के, कि आखिर इसमें जो सिलेबस वगैरह जो दिया गया है इसको कैसे आप कवर कर पाएंगे पूरे सिलेबस को। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।